अस्सलामुअलैकुम दानी जी, खैरियत से हैं? सलाम सुफी, क्या देख रहे हैं? शुक्र जी, हम रिजवान हनीफ की जो है ना नीम रेस कोर्स माशाल्लाह से बड़ा ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा इसका नाम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कह रहे हैं, बाहर के मुल्कों से भी हमें बल्कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो लोग पूछते हैं जी कि नीम रेस कोर्स किधर है। और हमने तो अपनी अकेडमी सभी अदर क्रिकेट अकेडमी जो है वो नीम रे को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और नीम रे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी अकेडमी के, हमारे बच्चों को। और कभी कोई भी सामान जो है ना अगर आपने लेना हो अच्छी क्वालिटी का और अच्छे जो है ना प्राइस के अंदर, तो नीम रे स्पोर्ट्स कमर्शियल सेंटर रावलपिंडी में सेंट्रल टाउन में ये है शॉप, तो उधर ज़रूर विज़िट करें और देखें। हर चीज़ की वैरायटी जो है ना इनके पास है, हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है जो किसी क्रिकेट के किट बैग में होनी चाहिए। हर चीज़ यहाँ से आपको मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के अंदर मिलेगी, जितने पैसे खर्चेंगे उतना अच्छी सामान आपको मिल जाएगा। तो रिजवान साहब ने जो है ना बड़ा माशाल्लाह से इसमें ग्रो किया है और बड़े कम अरसे में, क्योंकि इनको बड़ा पैशन है कि अच्छी चीज़ तैयार कराने में। इनके जो बैग्स हैं, बैट्स हैं, ग्लव्स हैं, पैड हैं, हेलमेट, हर चीज़ जो है वो अच्छे मेयार की है और वो किसी भी एक बड़े ब्रांड को जो है ना ये मैच करते हैं। सभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सब कुछ आपके ताउन आपके मतलब गाइडलाइन के मुताबिक किया है, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया। सभी भाई, एक लड़के आते हैं तो प्लेयर्स आते हैं, उनको एक सवाल है, वो पूछते हैं बैट जो होता है वो सिलेक्ट करने का आइडियल वेट क्या, क्या कोई तरीका है इसका, आप कोच क्या बताते हैं? एक तो जो है ना ये बड़ा ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे पास भी जो छोटे अकेडमी में बच्चे आते हैं तो उसका जो कॉमन है कि वो उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने किस वेट के साथ उनके एक्चुअली उनकी हाइट उनके हिसाब से कौन से वेट का बैट जो है ना उनके पास होना चाहिए। तो इसको बड़ा एक आसान सा तरीका है कि आपने इसको किस तरह पता करना है। अगर आपके पास कोई भी बच्चा है तो उसको जो है ना सिर्फ ये वेट दे दें और ये थोड़ी देर जो है ना एक मिनट का टाइम नोट करें, अगर वो हैंडल के एज से बैट को ये सिर्फ थोड़ी देर एक मिनट पकड़ के रखेगा, अगर तो जैसे अभी मेरा आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो ना वाइब्रेशन शुरू हो गई है, अगर वाइब्रेट करेगा इसका मतलब है ये उसके लिए हैवी बैट है। तो हैवी बैट फिर उसको जोन सा भी उसको वेट दें, अगर वो बिल्कुल एक मिनट बड़े आराम से विदाउट किसी वाइब्रेशन के थर थराने के अगर वो खेल जाए, वो पकड़ के खड़ा रहे, इसका मतलब है ये उसका वेट है। तो बड़ा आसान तरीका है कि आपने पता करना है कि आपको कौन सा वेट चाहिए है जो है बल्ले के लिए, इसका ये बड़ा आसान तरीका है। अपने से ज़्यादा हैवी बैट खेलने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हैं, आपकी ग्रिप खराब हो सकती है, आप बल्ले को बड़ा टाइट पकड़ सकते हैं और उससे जो है ना आपके शॉर्ट्स के अंदर बड़ा जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप बैट लें, छोटा बच्चा है अपने साइज़ के मुताबिक बैट ले, हैरो बैट है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, अगर सीनियर प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है वो ले और अपने वेट के मुताबिक ले कि उसको कौन सा वेट है। वो अभी जैसे जानी भाई ने सवाल किया कि किस तरह पता चलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो यूज़ योर ओन बैट, कि जो आप बैट यूज़ करें वो आपके अपने वेट का होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जानी भाई, बहुत शुक्रिया।